Huge honor to be sharing screen space with stalwarts of Indian cinema. एक किस्सा सुनाऊंगा मैं धर्म जी से रिलेटेड. तो द फर्स्ट डे दैट वी वर शूटिंग टुगेदर, धर्म जी आने वाले थे. मैं नर्वस था, एक्साइटेड था. सीन है धर्म जी के साथ, टॉकी सीन है, ऐसे फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं. तो सुबह मैं जब सेट पर आया, मैंने एडीज को कहा कि यार मुझे पहले बुला देना सेट पे, आई वुड लाइक टू ग्रीट धर्म जी ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ शूट. पर पता नहीं कुछ हुआ उस मॉर्निंग और धर्म जी पहुंच गए सेट पे. फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली धर्म जी सेट पर चले गए. तो फिर मैं हड़बड़ी में तैयार होके पहुंचा सेट पे, और टाइम कम था, शूट शुरू करना था, और करण हमें सीन समझा रहा था. मैंने उनके पैर पड़े जब भी पाई, सीन समझा, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे बोलना, ठीक है, ओके. शॉर्ट कहाँ लग रहा है, मनोज सर हमारे जो डीओपी हैं उनसे ब्रीफिंग ली, करण से ब्रीफिंग ली, अच्छा ये करना है, ओके ठीक है, रेडी. तो मैं थोड़ा रिहर्स कर रहा था, धर्म जी यहाँ पे बैठे हुए थे, और मैं मन ही मन में रिहर्स कर रहा था, अच्छा ये फिर वो, ठीक है, कॉल प्लीज. तो जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा, और फिर मैंने ऊपर देखा, और उस मोमेंट में मुझे हिट हुआ कि ये धर्मेंद्र है और मैं धर्म जी के साथ शॉट देने वाला हूं. धर्मेंद्र के साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूं एक ही फिल्म में. आई कांट एक्सप्लेन टू यू, इट वाज लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साक्षात मेरे सामने बैठे और हम साथ में एक शॉट देने वाले. एक बार पहले हुआ था, कई बार एक्चुअली, अनिल कपूर साहब के साथ, गोविंदा जी के साथ, अजय देवगन के साथ, और It's been a great honor and a privilege to share screen space with these senior artists who I have admired growing up and who inspired me to be the artist that I am. I feel extremely blessed and fulfilled.